हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं इधर कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाता था क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अब रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इससे आपको 50 क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो करवाया जाएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किस किस जैसा दिखता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक ना। तो न्यूलैंड साहब ने क्या कहा था कि किसी भी आप तत्व से शुरू करते हैं तो 8वें तत्व का जो गुण होता है वो प्रथम तत्व के गुण के समान दिखता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कर 10वां तत्व किसके समान दिखेगा? 10वां तत्व तीसरे तत्व के समान दिखेगा। ये तीसरे से हम गिनती करते हैं तो 10वां आते थे क्या 8 हो जाता है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहते हैं। न्यूलैंड्स के आवर्ती तालिका में तत्वों को डैश को हेलोजन के साथ रखा गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट और निकेल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल को आवर्त तालिका में तत्वों को हेलोजन के साथ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था? तो अंतिम तत्व इसमें जो था वो थोरियम था। क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, थोरियम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जिस समय न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया था उस समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। याद रखिए कैसे थे अष्टक, 8 7 56, एक घटा के गुना कर दीजिए। अष्टक नियम का मतलब 8 हो गया, उसमें एक घटा के गुना कर दिया, 8 7 56। जिस समय न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया था उस समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी, ठीक ना। और न्यूलैंड साहब का जो अष्टक नियम होता है ये कुछ ही तत्वों तक सीमित था जो लागू होता था, लगभग 20 कैल्शियम तक लागू होता, उसके बाद लागू फिर नहीं होता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, ये किसकी कमियों में से एक था? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स का ऑक्टेप्स नियम्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। न्यूलैंड्स के ऑक्टेप्स के नियम के अनुसार, ऑक्टेप्स क्या होता है? अष्टक होता है। अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? तो न्यूलैंड्स के ऑक्टेप्स नियम के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 8 7 56, याद रखिए ऑप्शन ए। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान है? तो ये नियम किसने खोजा था? ये नियम खोजा था न्यूलैंड साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था, किसका विकास किया था, ठीक ना। तो याद रखिए ये विकास किया था आवर्त सारणी विषय वस्तु के बारे में विकास किया था। किसके बारे में विकास किया था? ऑप्शन बी, आवर्त सारणी विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ऑक्टेप्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो किसको रखा गया है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेरस, ठीक ना। ऑक्टेप्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, तो किससे दूर रखा गया? तो याद रखिएगा फेरस से दूर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड माना के प्रकृति में केवल कितने तत्व हैं? तो इसके अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व हैं? ऑप्शन बी हो जाए, 56 हो जाए। ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल डैश तक ही लागू होता है? तो देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक नियम जो लागू होता है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है, ठीक है ना। कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के लोह जो कि गुणों में किसके जैसा डैश और डैश जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट और निकेल, ठीक ना, कोबाल्ट और निकेल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान को आधार पर था? तो परमाणु द्रव्यमान का जो आधार पर था वो कौन सा था? तो वो था, देखिए इसमें डोब्रिनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, ये तीनों का जो तो वर्गीकरण था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। यही मोस्टली साहब जो लाया है ना वो किस आधार पर लाया है? तो वो परमाणु संख्या के आधार पर लाया है, ठीक ना। तो ऐसा आप छांट सकते हैं, तो मोस्टली किस अनुसार से है? तो वो है परमाणु संख्या के आधार पर। तो यहाँ जो एस, ए, बी और डी में जो देख रहे हैं मोस्टली हैं, तो बोला तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाए कौन सा? डोब्रिनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। यूके ट्राइड में से कौन सा एक डोब्रिनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए डोब्रिनर से हमने जो पर्योटेट में जो सजाया था वो ट्रिक नियम दिया था, ट्राइड रूल दिया था, ठीक ना। इसने तीन तीन तत्वों का एक सीरीज बनाया, उसमें जो बीच वाला जो तत्व होता है उसका जो परमाणु भार होता है, बाकी जो अगल बगल में जो दोनों तत्व हैं उसके परमाणु भार के औसत होते हैं, ठीक ना। तो इसमें कौन बोलता है कि कौन सा एक डोब्रिनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखिए, नकली याद रखिए, एन ए के एल आई, नकली। एन ए से क्या हो गया? सोडियम हो गया। के से क्या? पोटेशियम हो गया। एल आई से क्या हो गया? लिथियम हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा पे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। डोब्रिनर ट्रिक में प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, इस ट्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? तो इस ट्रिक का जो दूसरा सदस्य होगा आर्सेनिक होगा। क्या होगा वो? आर्सेनिक होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है। डोब्रिनर ने तीन तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया? उसने ट्राइड रूल दिया था। क्या रूल दिया था? ट्राइड, ऑप्शन ई हो जाएगा। डोब्रिनर उत्प्रेरक रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया, तो डोब्रिनर साहब ने जो है उत्प्रेरक रूप में किस पे अपना पहला अवलोकन किया? तो पहला अवलोकन जो किया प्लेटिनम पे किया। किस पे किया? पी टी प्लेटिनम पे किया। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया था वह क्या था? दामित्री मेंडलीव ने, ठीक ना। किसने आविष्कार किया था? दामित्री मेंडलीव ने। जिस तरह से न्यूलैंड साहब ने जो पीरियोडिक टेबल जो दिया था उस समय कुल कितने तत्व थे? उस समय थे 56, लेकिन ये मेंडलीव साहब के समय में जो कुल कितना मेंडलीव साहब ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। याद रखिएगा कितनी थी? 63 थी। तो कैसे याद रखिएगा? देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है यहाँ पे? देखिए मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल उसमें कितना वर्ग है? 9 वर्ग है। कितना वर्ग है? 9 वर्ग है और 7 गो आवर्त है। मेंडलीव साहब के जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितना? 9 वर्ग है और 7 गो क्या है? आवर्त है। याद रखिए 9 × 63 कितना? 9 × 63। तो मेंडलीव साहब ने जिस समय पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी, 63 थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडलीव का आवर्त नियम ये दर्शाता है कि तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव साहब ने जो तत्व को जो दिखाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिखाया था। किसके आधार पर दिखाया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। वही चीज़ आपको पूछेगा मोस्टली साहब का, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो मेंडलीव साहब ने जो कैसे व्यवस्थित किया था? तो व्यवस्थित जो किया था उसने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। किसके आधार पर? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? 963, 9 का वर्ग, 7 को आवर्त, 963 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडलीव आवर्तिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जी, यानी कि गैलियम हो जाएगा।
सॉरी जी गैलियम नहीं जी जर्मेनियम हो जाएगा, क्या हो यहाँ पे जर्मेनियम हो जाएगा। मेंडेलीव की आवाज सारणी में लंबरूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। देखिए लंबरूप स्तंभों को जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, स्तंभ कहा जाता है, ठीक ना। और जो क्षैतिज पंक्तियों उसको क्या कहा जाता है, उसको आवर्त कहा जाता है, ठीक। उसको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रासायनिक गुणों के मध्य में मेंडेलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है ना। तो किस पे ध्यान केंद्रित किया, तो उसने जो ध्यान किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किस पे ध्यान केंद्रित किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। दामेंद्री मेंडेलीव ने क्या तैयार किया था, तो दामेंद्री मेंडेलीव ने जो तैयार किया था, उसने तैयार जो किया था परमाणु इसने क्या था, रासायनिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण तैयार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में रखा गया है, जबकि बाएं तरफ जो है लगभग टोटल धातु ही हैं, ठीक ना। लेकिन सबसे ऊपर में ही हाइड्रोजन को रखा गया है, ठीक ना। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, ये अधातु है। देखिए कि हाइड्रोजन का जो एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है, इसलिए हाइड्रोजन को जो कहा जाता है आवारा तत्व कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकल से पहले दिखाई देती है, तो क्या दिखाई देती है पहले हम देखिए। मेंडेलीव की आवर्त तालिका में कोबाल्ट जो है निकल से पहले दिखाई देता है, क्या देता है, कोबाल्ट से पहले, कोबाल्ट निकल से पहले दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में समूह में किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली, ठीक ना। कौन किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एस से क्या हो गया, स्कैंडियम हो गया, जी से क्या हो गया, गैलियम हो गया, और जी से क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव के आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है, इका एल्युमिनियम की जो जगह लेता है वो कौन लेता है, गैलियम लेता है, ठीक ना। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह कौन लेता है, वो गैलियम लेता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किसके आधार पर, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी को जो व्यवस्थित किया वो मोस्टली साहब ने व्यवस्थित किया है। यदि आपको आवर्त सारणी के पिता कहे तो मेंडेलीव साहब ही होगा, बट आधुनिक आवर्त सारणी के पिता पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा, मोस्टली साहब हो जाएगा, ठीक ना। तो सिर्फ आवर्त सारणी का बात करें तो वो मेंडेलीव साहब का है, तो मेंडेलीव साहब ने जो सजाया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया था पीरियोडिक टेबल को, वही चीज़ को जो है मोस्टली साहब ने पीरियोडिक टेबल को जो सजाया वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार से सजाया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक के बढ़ती क्रम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के डैश आवर्त से संबंधित हैं, तो चलते हैं किसी एक का बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यदि यहाँ पे हम सोडियम का बात करें तो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और इसको हम सजाएंगे तो क्या होगा, 2 8 1 हो जाए, कितना हो जाए यहाँ पे, 2 8 1। देखिए जितने कक्षा बनता हो, जितना कक्षा की संख्या ही दिखाता है, जितना कक्षा है वो आवर्त को दिखाता है। तो यहाँ देखिए एक कक्षा, दो कक्षा, ये तीन कक्षा है, तो हम कहेंगे
ये तीसरे आवर्त में है। और लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसको दिखाते हैं, वो ग्रुप को दिखाते हैं, वर्ग को दिखाते हैं। यदि सोडियम का बात करें यहाँ पर, तो सोडियम के लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि सोडियम कौन सी कक्षा में है, कौन से वर्ग में है, तो पहला वर्ग में है। बट ये जेड कक्षा बन रहा है यहाँ पे, वो किसको दिखाता है, वो आवर्त को दिखाता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब में तीन ही कक्षा बनेगा, इसलिए सभी किस है, क्या है, तीसरे आवर्त में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या देखते हैं, क्या संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ठीक है। देखिए संक्रमण तत्व जो होते हैं वह तत्व होते हैं जिसके दो बाहरी सेल अधूरे होते हैं। ऐसे सिंपली क्या होता है कि जो सबसे लास्ट कक्षा जो होता है वो अधूरे होते हैं। बस संक्रमण तत्व वह होते हैं जिसका दो को बाहरी सेल क्या होते हैं, अधूरे होते हैं, ठीक ना। जैसे आप स्कैंडियम हो गया, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, इस सबको आप इलेक्ट्रॉन विन्यास सजाइएगा तो क्या होगा कि लास्ट दो को कक्षा जो होगा अधूरा ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आधुनिक आवर्तन में पहला धातु तत्व क्या है, तो आधुनिक आवर्तन में पहला धातु तत्व जो है लिथियम है, वो क्या है, लिथियम है, ठीक ना। यदि आधुनिक आवर्तन में पहला तत्व सिर्फ पूछ दे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्थान है पहले ग्रुप और पहले आवर्त में है, ठीक है। लेकिन आपको पूछता है पहला धातु तत्व क्या है, तो पहला धातु तो लिथियम हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे लिथियम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह डैश समूह से संबंधित। देखिए मैंने आपको पहले कुछ देर पहले चर्चा किए थे, जो समूह या ग्रुप या वर्ग जो बोलते हैं सब कुछ एक ही होता है, और लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या दिखाता है, वो वर्ग को दिखाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ 12 प्रोटॉन है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या कितना, 12 है, और 12 को यदि हम सजाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 8 2 हो जाएगा। देखिए लास्ट कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, कहेंगे कि ये कौन सा वर्ग में है, तो दूसरे वर्ग में है। वही चीज़ यहाँ पे आवर्त को कहा जाता है, कौन सा आवर्त है, तो आवर्त जो दिखाता है जितना कक्षा रहता है वो आवर्त को दिखाता है, तो तीसरा आवर्त हो जाएगा। लेकिन हमको कहा यहाँ पे समूह पूछ रहा है, तो लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या क्या होती है, ठीक है। यहाँ सवाल में कहता है जो एक्टिनाइड्स होते हैं उसके परमाणु संख्या क्या होती है। एक्टिनाइड्स के परमाणु संख्या देखिए एक्टिनाइड श्रेणी में जो होते हैं 14 तत्व होते हैं, ठीक ना। तो एक्टिनाइड्स के परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 90 से 103 तक होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90 से 103 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो हैं वो किनका आवर्त सारणी है, तो मोसले साहब का है। तो मोसले साहब का जो आवर्त सारणी है उसमें समूह, देखिए समूह तो 18 हो जाता है, लेकिन आवर्त कितना 7 हैं। मेंडेलीव साहब में 7 ही आवर्त हैं। मोसले साहब का जो पीरियोडिक टेबल है यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें भी कितना, 7 ही आवर्त हैं। बट मेंडेलीव साहब का जो आवर्त सारणी था जो है उसमें 9 ग्रुप हैं। बट यही चीज़ जो है कि आधुनिक आवर्त तालिका यानी सारणी जो है इसमें कितना है? समूह है, तो इसमें 18 समूह हैं। उसका क्या कीजिए, यहाँ पे दोगुना कर, 9 का दोगुना कर दिया 18, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी धातुओं को रखा गया बाएं तरफ। कहाँ रखा गया, ये बाई ओर रखा गया है। इसका सेंसर क्या हो जाएगा, बाई ओर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
तत्वों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? देखिए ये सारे तत्व जो देख रहे हैं ये 17वें ग्रुप का है, ये 17वें ग्रुप का है, और 17वें ग्रुप को जो कहा जाता है उसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। समझे कौन सा ग्रुप कहा जाता है? इसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। और हेलोजन ग्रुप में जो हैं कुल तत्व कितना है? 5 हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और स्टेटिन है, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम क्या है? तो देखिए तीसरी अवधि है और 8वें समूह है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो? तीसरी अवधि है तो तीसरी अवधि की बात हम करते हैं, यदि सजाते हैं अपने जैसे 2, 8, 8, क्योंकि नोबल गैस जितना भी आते हैं नोबल गैस में टोटल जितना भी नोबल गैस हैं सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सजाते हैं तो 2, 8, 8 यहाँ पे, तो 3 को कक्षा बन रहा है, ठीक ना। तो तीसरी अवधि कहता है नहीं तीसरा आवर्त कहता है, यहाँ पर 3 तो बना देते, इसको जोड़ते ही यहाँ पर है तो 2, 8, 10, 8, 18 हो जाता है। 18 किसका होता है? तो 18 जो परमाणु संख्या होती है वो किसका? आर्गन को होता है। इसलिए सेंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्गन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? कौन से 2 आवर्त हैं जिसमें 2 तत्व मौजूद होते हैं? देखिए एक मैजिक नंबर होता है उसको आप लोग याद रखिएगा। मैजिक नंबर क्या होता है? मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक ना, याद रखें। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखिए पहले आवर्त में कितना तत्व है? पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में कितना है? 8 तत्व, तीसरे में भी कितना है? 8 है, चौथे में कितना? 18 है, पाँचवें में कितना? 18, और छठे में भी कितना है? यहाँ पे छठे में भी यहाँ पे 32 तत्व हैं, और सातवें में कितना है? 32 तत्व है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में कौन 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद, तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा। आप लोग याद इसको कर लीजिए, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक ना। तो दूसरा और तीसरा में क्या है? 8, 8 तत्व हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मोजले हो जाएगा, कहीं के मोसले भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हेनरी मोसले हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि सबसे न्यूनतम प्रतिक्रियाशील है, सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? तो ऑप्शन क्या हो जाए? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस जो होता है न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो परमाणु क्रमांक जो 3 है ये तो सिंपल हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम को हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। सॉरी क्वेश्चन आगे बढ़ गया था। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो याद रखिए अभी थोड़ी बताया था आपको मैजिक नंबर के 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 यहाँ पे। देखिए पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पाँचवा, छठा आवर्त, छठा आवर्त कितना है? 32 तत्व है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में आधातों की संख्या अधिकतम है? ठीक है, कौन सा आवर्त में जो है कि आधातों की संख्या अधिकतम है? तो याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन जो आवर्त जो दूसरा है, दूसरा आवर्त में आधातों की संख्या अधिकतम है,
ठीक ना, इसमें टोटल चार गो अधातु हैं, किस आवर्त में, दूसरे आवर्त में। तो कहिएगा कौन कौन से यहाँ पे हैं, तो दूसरे आवर्त में क्या सबसे ज़्यादा अधातु है, तो कौन कौन सा है, तो वो आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन हो गया। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक ना। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, डी ब्लॉक से, ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, एस ब्लॉक से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो हो जाएगा, देखिए वो किस ब्लॉक से हो जाए, डी ब्लॉक से। परमाणु संख्या 57 किसका होता है, ये पूछे किसका होता है, ये लेंथेनम का होता है, किसका होता है, तो परमाणु संख्या जो 57 होता है लेंथेनम का होता है, LANTHA लेंथेनम, ठीक ना। इसका संकेत क्या होता है, Al होता है, क्या होता है संकेत, Al होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और डैश, आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त पहला और सातवें में कोई उपधातु शामिल नहीं है, कोई भी उपधातु शामिल नहीं एक और सात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट में तत्वों को क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्वों को कहा जाता है, वो कहा जाता है क्षार धातु, क्या कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है। वैस वर्ग दो वाला को, वर्ग दो को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु। सातवें जो 17वां ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, किसको, 17वें वाला को, ठीक ना। आदर्श गैस को कहा जाता है, 18वें ग्रुप को कहा जाता है, ठीक ना। और क्षार धातु किसको कहा जाता है, पहला वाला को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डैश में एक ओर से दूसरी ओर पर जाने पर तत्वों के संयुज्य इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, तो किसमें संयुज्य इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। देखिए वर्ग में तो संयुज्य इलेक्ट्रॉन के संग, देखिए संयुज्य इलेक्ट्रॉन होता क्या है, सबसे पहली बात तो सबसे अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, वो संयुज्य इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो वर्ग में क्या होता है, संयुज्य इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमेशा बराबर होता है, तो वर्ग में तो ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा जो संयुज इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बराबर होगी। तो इसका आंसर तब होगा क्या, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंक्ति, जिसको हम लोग क्या आवर्त कहते हैं, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आवर्त हो जाएगा। लेंथेनम और एक्टिनाइड, लेंथेनम और एक्टिनाइड किससे है, तो लेंथेनम और एक्टिनाइड जो है ये ए ब्लॉक से संबंधित है, ठीक ना। किससे संबंधित है, ये ए ब्लॉक से संबंधित है। तो याद रखिए हम पे जो लेंथेनाइड सीरीज है, तो लेंथेनाइड सीरीज में कितना तत्व है, उसमें 14 तत्व है, और एक्टिनाइड सीरीज में कितना तत्व, यहाँ पे 14 तत्व है। दोनों मिला के आपको पूछेगा कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड मिला के कुल तत्व कितना है, तो 28 याद रखें यहाँ पे, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं, तो याद रखिए वहाँ पे ऑप्शन बी दो हो जाएगा। चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं, तो मात्र दो हैं, ठीक ना। वो भी कौन सा है, तो वो है जर्मेनियम और आर्सेनिक, कौन सा, जर्मेनियम और आर्सेनिक। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें के समूह में रखा जा सकता है, ठीक ना। तो ये ऐसा आंसर क्या, हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाया गया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को।
तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।